हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी यानी घिया की झटपट रेसिपी, जो बहुत ही कॉमन रेसिपी है। हमारे घरों में यह सब्जी ज़रूर से बनती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने स्टाइल में यह रेसिपी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे यह रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लौकी को काट कर पानी में डिप करके रख लेंगे, क्योंकि लौकी और आलू ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। लौकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में लौकी जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। अब मैं सरसों के तेल को अच्छे से स्मोक होने के लिए रख दूंगी। देखिए, सरसों का तेल अच्छे से स्मोक हो गया है। इसमें मैंने 2 लौंग, 1 दालचीनी, 1 तेजपत्ता और 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। जब हम ये खड़े मसाले सब्जी में ऐड करते हैं, तो इनसे बहुत ही अच्छी अरोमा आने लग जाती है। अब मैं इसमें 2 प्याज जो मैंने चॉप कर लिए थे उन्हें ऐड करूंगी। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जो असली टेस्ट इस सब्जी में आता है, वो इन खड़े मसालों का ही आता है। मसालों को हमें कभी ओवर कुक नहीं करना चाहिए, हमें सब्जी का अपना टेस्ट आना चाहिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा और इसे मिक्स कर लूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर पकना देंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करूंगी। अब इन्हें मिक्स कर लूंगी। देखिए, मसाला पक चुका है। अब इसमें 2 टमाटर, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, उसे ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी लौकी, जिसे हम हिमाचली घिया भी बोलते हैं। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। देखिए, घी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं। देखिए, हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए, हमारी लौकी की डिलीशियस गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार है। आप चाहें इसे रोटी के
साथ खाएं या परांठे के साथ या राइस के साथ खाएं, सबके साथ ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो ट्राई कीजिए यह रेसिपी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।